बेलहा में भाजपा के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक शामिल हुए। यहां कौशिक ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से किसानों के जेब में डाका डाला जा रहा है। 265 का यूरिया 500 रुपए से 600 रुपए में किसान खरीदने को मजबूर है। कई क्षेत्र सूखे के कारण अकाल की स्थिति में पहुंच गए हैं। बिजली ट्रांसफार्मरों की स्थिति खराब है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा के धरना प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी सहित किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। और 14 तारीख को किसानों के समस्याओं को लेकर के धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जनता के साथ में किसानों के साथ में जो छलावा किया है, वादा खिलाफी किया है, उसके विरोध में यह धरना है। 265 रुपए का यूरिया 650 रुपए में किसान खरीदने को मजबूर है। आखिर ये बढ़ी हुई पैसा किसके जेब में जा रहा है? किसानों को लूटने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहे हैं, पानी अभी बारिश हुई है, लेकिन किसानों के फसल नुकसान हो चुके हैं, उसके सर्वे कराई जानी चाहिए। 7 दिवस का समय दिया गया था, लेकिन 7 दिवस में सरकार की रिपोर्ट आई नहीं। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से किसान को छलने का काम कांग्रेस के सरकार के द्वारा की जा रही है, इसके विरोध में आज का यह धरना कार्यक्रम है। हम SDM को ज्ञापन देंगे महामहिम के नाम का, और यहाँ किसानों को तत्काल रिलीफ मिले, ये सरकार को कदम उठानी चाहिए। लगातार किसानों के साथ में धोखा करने का काम ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है। दुर्ग के उताई ग्रामीण में